प्यारे बच्चों, मैं रवि पटेल सृजन कोचिंग सेंटर दहियावां प्रयागराज। आज हम आपको कक्षा 10 विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 से संबंधित कुछ जानकारियां आपको मिलेंगी। तो कक्षा 10 विज्ञान जो कक्षा 10 की एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक है, किताब तो एक ही है लेकिन उस किताब में 3 पुस्तकों का समावेश है। पहली पुस्तक भौतिक विज्ञान फिजिक्स, दूसरी पुस्तक रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, तीसरी पुस्तक जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। हमको एक ही पुस्तक में 3 पार्ट करके दिया हो, खंड एक माने का खंड, उसके बाद खंड का, खंड खा, खंड का, माने 3 खंडों में आपकी पुस्तक बटी होगी। पहले खंड में भौतिक विज्ञान, दूसरे में रसायन विज्ञान, तीसरे में जीव विज्ञान, ऐसे करके हमको पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो परीक्षा में पूर्णांक होता है, पूर्णांक 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का पूर्णांक होता है, लेकिन लिखित परीक्षा जो होती है वो 70 अंकों की होती है। 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है, 30 नंबर आपको स्कूल से मिलता है प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से। तो इस 70 अंक जो आपको यह लिखा दिख रहा है, 70 अंक आपको इसी विज्ञान के ही 3 भागों से मिलता है। तो कौन से विज्ञान से कितना अंक प्राप्त होता है उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान जो आपकी फिजिक्स है, इसमें से आपको 25 अंक मिलते हैं, 25 अंक आपको भौतिक विज्ञान से मिलते हैं, और 20 अंक जो है आपको रसायन विज्ञान से मिलते हैं, उसके बाद 25 अंक आपको जो मिलते हैं वो जीव विज्ञान से मिलते हैं। तो 25, 25, 50 और 20, 70, तो 70 अंक आपको विज्ञान से मिलता है लिखित परीक्षा से, और 30 अंक आपको स्कूल से मिलता है। तो आपका जो पूर्णांक होता है वो कितने अंकों का हो जाता है? 100 अंकों का। तो 25, 25, 50 और 20, 70, तो 70 अंक की परीक्षा होगी जो लिखित होगी, इसमें से आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान 3 विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक खंड करके आपको इस वीडियो में, इस चैनल पर एक एक वीडियो के माध्यम से आपको एक एक खंड आपको बताया जाएगा। तो कल के वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे, कल के वीडियो में जब हम लोग आएंगे अगले दिन पढ़ाई, तो पहला भाग आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में कुछ पार्ट का नाम जान लेते हैं हम लोग। जैसे पहले पार्ट का नाम आपका है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, माने पहला पार्ट जो पढ़ना है फिजिक्स में हमको, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। दूसरा अध्याय जो हमको पढ़ना है मानव नेत्र, मानव नेत्र या रंग बिरंगा संसार। और जो तीसरा अध्याय हमको पढ़ना है इसमें से, उसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। और जो चौथा अध्याय हमको पढ़ना है उसको पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो पांचवा अध्याय हमको पढ़ना है इसमें से, ध्यान दीजिएगा, पांचवे अध्याय का जो नाम है वो पर्यावरण या ऊर्जा के स्रोत। छठवां अध्याय जो है इसमें का पर्यावरण, और जो सातवां अध्याय हमको इसमें पढ़ना है उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन।
प्राकृतिक संसाधन। तो अर्थात भौतिक विज्ञान में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात अध्याय हमको पढ़ना है। इसी सात अध्यायों को पढ़ने से हमको कितने अंक प्राप्त होंगे? 25 अंक प्राप्त होंगे। इन सात अध्यायों को पढ़ने से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, मानव नेत्र या रंग बिरंगा संसार, विद्युत विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इतने अध्याय को पढ़ने से हमको 25 अंक की प्राप्ति होगी। उसके बाद जब हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे तो उसमें से आपको हम पार्ट के नाम बताएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। उसके बाद जब जीव विज्ञान हम आपको पढ़ाएंगे तो जीव विज्ञान में कितने चैप्टर पढ़ने, कितने अध्याय पढ़ने हैं, उन सब की जानकारी देते हुए हम लोग आगे के पढ़ेंगे। तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा आपका पढ़ाने का, पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय है। अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना, इस अध्याय को पढ़ना है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। धन्यवाद।